दोस्तों हम जा रहे हैं इस समय बनाने एयरसेल का लोगो। एयरसेल एक पहले की कंपनी है, आपने देखा होगा। वो आजकल दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई है, तो उसका लोगो कैसा हुआ करता था। सबसे पहले उसके लोगो के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक पट्टी बनाते हैं, है ना। ये पट्टी को हम कर देते हैं फुल ब्लू, नेवी ब्लू डालेंगे और राइट क्लिक कर देंगे जिससे आउटलाइन भी ब्लू हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इसी को हम कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी करने के साथ साथ इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा, और छोटा करने के बाद हम इसको रख देते हैं इसी के ऊपर और इसको कर देते हैं हम रेड कलर का। इसका आउटलाइन भी रेड कर देंगे। अब इस सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ई दबाएंगे, आपका ये एक सीध में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तिरछा सा लिखना है इसके ऊपर एयरसेल, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, फॉन्ट इंपैक्ट ले लेंगे। हमने लिखा है यहां से एयरसेल, एयरसेल लिख के यहां रखेंगे, इसको व्हाइट कलर कर देंगे। थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा इसको, बड़ा करने के साथ साथ इसको चौड़ा कर देंगे। डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर और यहां से इसको थोड़ा सा कर देते हैं तिरछा, ज्यादा तिरछा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो चौड़ा भी कर सकते हैं। ये लिखा गया। अब वो तीन पट्टियां होती थी इसमें चांद चांद की तरह से, उसको 3 पॉइंट कर्व टूल यहां से ले लेंगे, थोड़ा सा इसको जूम करिए जिससे अच्छा बन पाए। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक यहां से इधर की तरफ जाएंगे और नीचे के लाएंगे, तब फिर इस पॉइंट से हम उठाएंगे, फिर उसी पॉइंट तक ले जाएंगे और इतना कर देंगे। इसमें कलर डालेंगे व्हाइट, राइट क्लिक कर देंगे जिससे ये भी व्हाइट हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ डी करेंगे, कंट्रोल डी करने से ये डुप्लीकेट बन जाता है। हम यहां लाएंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, और फिर एक और कंट्रोल डी करते हैं, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब फिर इस सबको सिलेक्ट करके सी दबाएंगे, सॉरी ग्रुप नहीं हुआ था वो, फिर से करते हैं इसको सिलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी करते हैं तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करके पूरे को सी और ई दबा देंगे तो एकदम बीचों बीच में आ जाएगा। और इस तरीके से आप बना लेते हैं एयरसेल का लोगो।